हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको पता है, मेरे भाई का जन्मदिन है, तो बस मैंने थकी हुई तो बहुत ज्यादा थी। सुबह 6 बजे की उठी हुई हूँ, फिर भी मैंने सोचा चलो नहीं, थोड़ा सा तैयार होते हैं। एक मन तो कर रहा था कि पजामा टी शर्ट पहन के ही निकल लो, बट मैंने कहा नहीं, तो ये मेरी ड्रेस है। रुकिए, मैं आपको थोड़ी रोशनी में दिखाती हूँ। अच्छी रोशनी आ रही है, तो ये देख लीजिए इस तरीके की। मेरा ये फ्रॉक सूट है, सिंपल सा। अभी विहान को तैयार करूंगी और गर्मी का टाइम है, बाल खुले नहीं छोड़ूंगी, अभी कंघी करके बांध लूंगी। पूरा अपना बिस्तरा बनाकर जा रही हूँ, क्योंकि ना घर आने के बाद इतना थक जाते हैं ना, मतलब बाहर से कहीं से आओ फिर हिम्मत नहीं रहती है ये सब काम करने की। यहाँ पर हम होटल गए थे और ये होटल से बाहर निकलने का थोड़ा सा क्लिप है, आप वीडियो मेरे भाई के चैनल पर देख लीजिएगा। रात को कितने बजे भी सो, सुबह जल्दी उठने की आदत तो होनी चाहिए। देखिए, हम 6 बजे उठ गए हैं, मैं 12:30 बजे सोई हूँ रात को, और पापा जी देखिए अभी वीडियो देख रहे हैं, अपनी वीडियो के कमेंट्स पढ़ रहे हो ना पापा जी, और देखने लग रहे हैं किसने क्या कमेंट किया है। मैडम जी, जितने पैसे आप घर लेने में और फिर इसका बनवाने में लगवाएंगी, उतने में तो एक ठीक ठाक अच्छा घर मिल जाएगा ना, लेकिन दिमाग किसका ले। ये मैडम पापा से इनके नहीं बनती, माँ से इनकी नहीं बनती, जो किसी की ये माने, अपना पैसा है जो चाहे करेगी, यही बोलकर उनका मुंह बंद करवा देती है। ऐसी ही है आपकी सबकी निधि। और देखो, 35 लोगों ने लाइक भी किया है। आपको सच में लगता है 35 लोग जो हैं कि मैं ऐसी हूँ जो अपने मम्मी पापा जी का मुंह बंद करवा दूंगी? बल्कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने ना ये जो घर, तीसरा घर लिया है ना, ये अपने पापा जी के कहने पर लिया है। मैं लेना भी नहीं चाहती थी सच बताऊं तो, क्योंकि मैं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहती थी। मैंने, मेरी मम्मी ने बल्कि मुझे मना किया था कि मत ले, क्योंकि बच्चे का भी अब 3-4 साल का हो जाएगा, आगे स्कूल में जाएगा, तेरे ऊपर काफ़ी सारे खर्चे हो जाएंगे, तू कितना प्रेशर लेगी, आराम से अपनी लाइफ को थोड़ा इंजॉय कर। मम्मी ने मना किया था, मैं मानती हूँ, लेकिन मम्मी भी ने भी फिर ना, जैसे पापा जी ने जब मम्मी को भी समझाया, मुझे भी समझाया, तो मम्मी भी मान गए थे और मैं भी मान गए थे। देखिए, एक्चुअली क्या है ना, जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं ना, उसके ही बहुत ही मतलब नज़दीक में ही ना एयरपोर्ट बन चुका है, मतलब एयरपोर्ट बस अब शुरू हो जाएगा। यहाँ से हिसार से ना दिल्ली फ्लाइट डायरेक्ट आया करेंगी, चंडीगढ़, हर जगह की लोकल फ्लाइट्स चला करेंगी, तो जो क्राउड है आएगा, मतलब आने वाले टाइम में सब यही बोलते हैं। तभी यहाँ के हमारे दिए कि जमीन भी पहले से एकदम से महंगी हो गई। पहले ना यहाँ पर 35-40 लाख का ना, 40-45 लाख का ना अच्छा खासा फ्लैट मिल जाता था, लेकिन वही अब 1 करोड़ का हो गया है। मतलब देखो, एक ही दम से 1 साल के अंदर अंदर कीमतें डबल हो गई हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी, ये वाला घर मैंने 8 लाख का खरीदा था, मान लो 3-3.5 लाख इसके ऊपर मैंने लगा दिया था, ये पड़ा मुझे 10.5 लाख का, 10.5-11 लाख का लगा लो, हाँ 11 लाख का मुझे पड़ा टोटल कुल मिला के खर्चा करके। तो आज के टाइम में इस घर को मैं 15 लाख का सेल कर सकती हूँ आज के टाइम में, और ख़रीदार खड़े हैं लेने के लिए कि हाँ हमें 15 लाख रुपये का दे दो ये घर, क्योंकि अभी बोली में ही जब 14-14.5 लाख का लोगों ने खरीदा है, और वो घर तो बिल्कुल तैयार भी नहीं है। मेरा घर तो बिल्कुल देखो, टाइल वर्क करवा रखा है, पूरे घर में काम करवाए हैं, देखो मैं गिनवा सकती हूँ कि मैंने इतना लाख रुपए इस घर के ऊपर लगाए हैं। तो इस घर को मैं आराम से 15 लाख रुपए में कभी भी बेच सकती हूँ, निकाल सकती हूँ आराम से, तो मैं घाटे में नहीं गई, आप ये मत सोचिए। और जो साथ वाला घर है वो भी देखना, आगे आगे जब कीमतें बढ़ेंगी ना, हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट आ जाएगा, वैल्यू सारे घरों की बढ़ेगी। तो मैं अभी, मेरे को ये घर 13-20 का पड़ेगा, करीबन करीबन 14 और 1 लाख रुपये, 15 लाख रुपये का मुझे पड़ेगा, मतलब नीचे वाला जो घर है। तो उस 15 लाख के घर को ना मैं कभी भी 17-18 का आगे फ्यूचर में निकलवा लूँगी, मतलब आज से कुछ सालों बाद। और नहीं भी गया, मान लो महंगा नहीं गया, तो जितने में खरीदा उतने में तो कभी निकाल लो, आपके पास प्रूफ है कि आपने इतने का खरीदा है, रजिस्ट्री है मेरे पास। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ लेने का, देखिए कहीं और आप लो, वहाँ रजिस्ट्री ना होती हो, यहाँ पर ना रजिस्ट्री हो जाती है, और रजिस्ट्री पे लोन हो जाता है, मतलब लोन मिल जाता है। आपको पता है ये रजिस्ट्री वाले घरों की बहुत अच्छी वैल्यू होती है, और ये घरों की प्रॉपर रजिस्ट्री है, मैं करवा सकती हूँ आज इस घर की रजिस्ट्री। मेरे पास जब 35,000 रुपया होगा, 35 या 40,000 रुपये जमा हो जाएंगे, मैं इस घर की रजिस्ट्री करवा के इस घर पर लोन ले सकती हूँ, और इस घर पर लोन लेके मैं अपने तीसरे घर की पेमेंट भी चुका सकती हूँ इस तरीके से, या इस घर का लोन धीरे धीरे चुका लूँ, फिर मैं कुछ भी करूँ, मतलब मैं अपना बता रही हूँ। और आपने मुझे राय भी दी कि अब जो नया घर लिया उसको आप किराए पे चढ़ा दीजिए, आपका अगर
महीने का ज़्यादा ना सही मैं कहती, 3,000 रुपये भी किराया आएगा ना, तो वो 3,000 रुपये आपका बिजली का बिल थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे खर्चों में मतलब यूज़ हो जाएगा, आपका थोड़ा राशन का खर्चा कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अच्छी सलाह दे रही हो, लेकिन उसके अलावा भी मेरे माइंड में काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं तीसरे घर को लेकर कि हम क्या क्या कर सकते हैं, और उस पर हम इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगाएंगे, हम बस सफ़ेदी पेंट करवा के थोड़ा रहने लायक अच्छा बनवा लेंगे। लेकिन एक होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा खर्चा नहीं करना, उसको उसको सिंपल रखेंगे घर को बिल्कुल सिंपल सोबर। और ये देखिए मैंने आज ना सुबह सुबह ठंडा मौसम था तो फटाफट बाहर की बरामदे की सफाई कर दी, पानी आ रखा था और डस्टबिन में कूड़ा कूड़ेदान में फेंक के आ गई मैं, तो बाहर का एरिया तो मैंने देखा अच्छे से क्लीन कर दिया। क्यों क्यों आर एस टी यू वी W X Y Z A V B C D E G H I J K L M N O P Q Q Q R S T U V W X Y Dot W, बोलो W नहीं बोलना आता, Dot W Dot Z बजाया तो ताली तो बजाओ आती है ना। अच्छा 1 2 3 सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस कर, कितना पढ़ाई पड़ेगा अभी छोड़ दे, थोड़ा सा बाद में पढ़ लियो, बाद के लिए थोड़ा छोड़ो। बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ कऊ आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बस बस ये भी सीढ़ी चुप हो जा तू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी मेरा बाबू कितने का हुआ है, जुलाई अगस्त सितंबर चल रहा है ना, 2 साल 2 महीने का है, और एबीसीडी पूरी सुना देता है और 1 से 10 तक काउंटिंग भी याद है विहान को। और सबको विहान को ट्रोल करते थे, इसको इंग्लिश में नहीं आता, आँख बोलता है। अच्छा विहान के कान का है, कान का है, हाँ सही तो बता रहे एकदम, बाल का है, नोज का है, नाक का है, नाक ये देखो, मुंह का है, मुंह जी हाँ, इंटेलिजेंट बॉय मेरे को तो लग रहा है ये, कहीं ना हीरो बनने वाला है, तो डॉक्टरी बनने के इसके लक्षण दिख रहे हैं मेरे को, इतनी सी एज में सारा कुछ सुना देता है और मम्मी की मेहनत बचाता है। मम्मी ने तेरे को क्या सिखाया है भाई, मम्मी का नाम तो बना रहा है कि वही निधि के बेटे को ABCD पूरी A to Z तक आती है, याद है, पर क्या निधि ने सिखाई है तुझे,
किसी ने नहीं सिखाई इसको, किसी ने नहीं, इवन मेरी मम्मा ने भी नहीं सिखाई, ना मैंने सिखाई। ये टीवी पे पोइम्स देखता रहता है, अभी देखना बोलना सीखेगा, सारी पोइम्स भी सुना दिया करेगा, अपने आप बैठा बैठा सीखता है। इसको ना सीखने की वो है, लगन नहीं होती, टीवी पे चला दो बैठा बैठा साथ के साथ बोल बोल के सीख जाता है। अपनी तकदीर तुम्हारी है, तू मेरा जानू है, मैं तेरा दिल का। इसके चैनल पे भी डाल दे। हाँ, काफी टाइम हो गया अब्बा जी।